नमस्कार देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव मनराल। और दिल्ली में हिंसा काफ़ी बढ़ चुकी है और उससे 250 से भी ज़्यादा लोग अस्पताल में एडमिट हुए हैं, जख्मी हुए हैं। और आपको बता दें कि इसी के चलते हमारी रिपोर्टर आखिया भी उनसे मिलने जीटीबी हॉस्पिटल पहुंची। और जब वो वहां गई और जब उन्होंने लोगों से बात करी तो वो सुन के शायद आप लोग के दिलों में भी इमोशंस आ जाए और आप लोगों की आंखें भी नम हो जाए। हमारी रिपोर्टर आख्या ने वहां जाके जब लोगों से बात करी तो उन्हीं लोगों में से दो लोग ऐसे थे जो अपने खोए हुए जो परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें ढूंढ रहे थे। और जब उन्होंने उनसे बात करी तो उन्हें पता लगा कि एक उनमें से हिंदू है और दूसरा उनमें से मुस्लिम है। और वो दोनों अपने एक दोस्त को ढूंढ रहे थे जो उनका भाई लगता है, भाई जैसा मानते हैं। और जब हमारी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो उन्होंने उनको साफ तौर पे ये बताया कि हम हिंदू मुस्लिम जरूर है पर हमारे दिलों में किसी भी तरह की नफरत नहीं है। हम एक दूसरे को भाई समझते हैं और हम अपने भाई को ही यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में ढूंढ रहे हैं, उसका पता नहीं लग रहा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ कहने के। और उसके बाद जब हमारी रिपोर्टर ने उनसे बात करी तो उन्होंने ये साफ तौर पे बताया कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक नाम होता है, सिर्फ इस हिंदू मुस्लिम को करके लोग अपने काफ़ी सियासती जो मुद्दे होते हैं उन्हें खड़ा करते हैं अपनी कुर्सी के लिए। इन मुद्दों को आग लगाई जाती है, इन मुद्दों को भड़काया जाता है, बल्कि जबकि हकीकत ये है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के भाई है। आप कौन हैं? हम उसके भाई हैं। हाँ, क्या नाम है उनका? उनका बीरभान नाम था। बीरभान, हाँ, 50 साल के थे जी, कैसे? और वो किरावल नगर उनकी एक ड्राई क्लीन की दुकान थी, वहाँ काम करते थे। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम निर्भान सिंह है जी, जी। और वो बीरभान सिंह जी शाम को तकरीबन 3:30 बजे अपने घर जा रहे थे जी, जी। तो शिव बिहार की पुलिया पे कुछ दंगाइयों ने घेर लिया उसे और पीछे से गोली मार दी। तो गोली मार दी तो वहाँ पर वो मृत गिर गए जी। तो जो वहाँ निकलने वाली पब्लिक थी या कि जो कोई था वहाँ पर, उन्होंने देखा तो उठा करके वो यहाँ हॉस्पिटल लाए। उनकी जेब में जो फ़ोन था उस फ़ोन से कांटेक्ट करके हमें सूचना दी गई। अच्छा, तब तकरीबन हम यहाँ 4:30-5 बजे हम यहाँ आग लगे। बीरभान जी की फैमिली में कौन कौन है? बीरभान जी की फैमिली में एक लड़का है, दो लड़की हैं जी। और शादी कर दी है, ये 25 तारीख की बात है, तकरीबन 4 बजे की। तब से आप लोग? तब से हम यहाँ परेशान हैं, अभी डेड बॉडी हमें नहीं दी जा रही है। रोज़ ये कह रहे हैं कि आश्वासन अभी मिलेगी, अभी मिलेगी, अभी एलजी साहब बोर्ड बैठा हुआ है, अभी जब वहाँ से कागज़ बन के आएंगे तब मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल पाएगी। ये बात है, 3 दिन से परेशान हो रहे हैं सारे आदमी और कोई सुनवाई नहीं प्रशासन की तरफ से। कोई सुनवाई होती तो अब तक हम अपने घर चले जाते। लेकिन परिवार में उसके में एक माँ है। इस दंगे में दोनों तरफ से मरे, हिंदू भी मरा है, मुसलमान भी मरा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नुकसान किसका हुआ? आप नुकसान आम जनता का हुआ है, दंगा ये तो कोई मरा नहीं, जो मरे हैं वो आम जनता मरी है, जो तो दंगे वाले हैं वो तो सेफ हैं। ये हिंदू हैं, ये मुसलमान है, साफ है। मेरे भाई से ज्यादा, मेरा दोस्त था, मेरे भाई से भी ज्यादा था मेरा। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अजमेरी खान है। अजमेरी खान सर, तो आपके भाई दोस्त थे? मेरा बहुत गहरा दोस्त था जी। मैं उन्हीं की से कल 3 दिन से जाऊँ हूँ उसके साथ, साथ, साथ में ही है। साथ में ही है हम। बहुत बहुत कोई दंगा ही थोड़ी था, वो तो निकल के अपने घर पे जा रहा था वो। बहुत सीधे सर, आपको कभी लगा कि ऐसा वक्त आ जाएगा दिल्ली में? दिल्ली माना जाता है कि सबसे सेफ जगह है दिल्ली, और ऐसा राइट्स होगा? मुझे सर 25 साल हो गए यहाँ दिल्ली में रहते हुए, आज तक मैंने कभी नहीं देखा, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कभी। 25 साल हो गए मुझे दिल्ली में रहते हुए। 25 साल से आप? हाँ, दिल्ली में रहता हूँ मैं 25 साल से। सब भाईचारे की तरह रहते हैं जी। कोई ऐसी बात ही नहीं है, मगर वो तो पता नहीं कैसे क्या है, कोई बात ही नहीं है। मेरा मेरे गांव में मेरा एक घर है, लेकिन अगर मेरे कोई बुखार भी आ जाता है तो पूरा गांव समाचार लेने के लिए आता है मेरे पास में। एक ही घर है सिर्फ, इतने अच्छे व्यवहार से रहते हैं, हर ब्याह शादियों में हर तरीका से बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं, हमारा भाईचारा बहुत अच्छा बना। ब्याह शादी हर तीज त्यौहार सब सब साथ मनाते हैं हम, साथ मनाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई बात ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है आज तक। लेकिन जो दंगाई चाहते थे वो तो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए ना। हाँ, दंगाई चाहते थे वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। ना हिंदू बड़ा बुरा है ना इंसान, कोई ना हिंदू है ना कोई मुस्लिम, लेकिन दंगाइयों ने भड़का के चले गए, पब्लिक आम जनता मर गई, आम जनता को नुकसान हुआ है, बेकसूर आदमी मारा जो है। प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन बहुत ढीला है यहाँ का, प्रशासन बहुत ढीला है, प्रशासन यदि सख्त होता था आज ये नौबत हमारे साथ नहीं होती। तीन दिन से भूखे प्यासे यहाँ पड़े हुए हैं, अभी तक आज बॉडी नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस सर, आप दोनों यहाँ पे हैं, हिंदू भी है मुस्लिम भी है यहाँ पे, मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा है, ह्यूमर एक फैलाया जा रहा है और अभी भी आग थमने का नाम नहीं ले रही है, तो आप एक क्या मैसेज देना चाहिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे से? देखो भाई, भाईचारा ऐसा है, आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए, और आपस में कोई हिंदू मुस्लिम कोई नहीं लड़ रहा है, लड़ने वाले ओनली दंगाई ओनली, और जो है सिर्फ राजनीति अपनी रोटियां सेक रही है और कोई बात नहीं है, बस राजनीति जो है वो अपनी रोटियां सेक रही है, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं लड़ रहा है, सब अपने काम से हैं, सब अपने आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ओनली सिर्फ प्रशासन ढीला है और राजनीति ही ऐसी है जो अपनी रोटियां सेक रही है बस। देखिए आपने देख भी लिया होगा कि सिर्फ राजनीति की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक हिंदू और मुसलमान दोनों किस तरह से एक कम्युनल हारमनी का संदेश दे रहे हैं, इतना बड़ा ये दंगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद, और ये दर्द जो है ये इतना बड़ा दर्द है जो शायद सालों तक भूला नहीं जाएगा। फिलहाल आपसे बस मीडिया के द्वारा हम यही अपील करेंगे कि लोग शांति बनाए रखें, माहौल को शांत रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये जो घाव दिए गए हैं इस दंगे द्वारा ये तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इंसानियत पर जो घाव हो रहा है वो शायद कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। देखते रहिए देश ऑनलाइन, मैं हूँ कैमरा पर्सन नेहा के साथ आख्या। तो भाई भाईचारे के तरीके से रहते हैं और हमारे बीच एक काफ़ी ज़्यादा भाईचारा है, कुछ लोगों की सियासती जो आप कह सकते हैं मुद्दे उठाते अपने फ़ायदे के लिए, हम अपना भाईचारा बिल्कुल ख़राब नहीं कर सकते, और दिल्ली तो वैसी ही दिलवालों की है, तो ये फैसला आपके ऊपर है कि दिल्ली में दिलवालों की जो दिल्ली है उसे वैसे बना के रखना है, दिल्ली के अंदर फिर से नफ़रत पैदा करनी है, तो आपसे उम्मीद यही है कि आप लोग दिल्ली में ब्रदरहुड बना के रखेंगे और एक दूसरे को भाई चारे की तरह से ही ट्रीट करेंगे। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे सतर्मा चैनल देश ऑनलाइन, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।